गांव गांव ढाणी ढाणी से डॉक्टर इंजीनियर जो निकल रहे हैं। किसान सोच रहा है मेरा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, एक मेरी जैसी सामान्य अध्यापिका का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। मेरा बच्चा इतना सेटिस्फाई है, वो कहता है कि माँ अगर आप मन में ठान लो और आप CLC पहुँच जाओ तो आपको कोई नहीं रोक। क्या बात, क्या बात। मैंने और मेरे बच्चे ने अपने सपने साकार किए CLC के साथ। मुझे लगता है CLC नहीं होती तो आज मेरा बच्चा एम्स में नहीं होता। 10th के बाद में बड़ा ऐसे प्रेशर था क्योंकि बच्चे ने 7th क्लास में कहना शुरू कर दिया था मैं टेबल पर बैठ के दवा लिखूंगा, मैं माँ धूप में नहीं खड़ा रहूँगा, मैं टेबल पर बैठ के दवा लिखूंगा। और वो फोटो लगाता था काट काट के, मुझे लगता था यार अपन कैसे कराएंगे, प्राइवेट कॉलेज में तो अपन करा नहीं सकेंगे। मेरी मदर जो आज मेरे बीच में नहीं है, वो हमेशा कहती थी हमेशा उल्टा सोचा कर, ये मेहनत कर रहा है इसको सही जगह पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं CLC तक पहुँची। मैं कहना चाहूँगी मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड सुरेंद्र सिंह शेखावत, वो सीकर के, वो बोले कि दीदी जयपुर जाने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ CLC की तरफ देखना। फिर हम आए सीकर, हमने देखा और आपसे बात हुई। सर खुशहाल मेरे साथ में नहीं था उस वक्त, बच्चे ने 11th में एडमिशन लिया और मेरा बच्चा इतना सेटिस्फाई है, वो कहता है कि माँ अगर आप मन में ठान लो और आप CLC पहुँच जाओ तो आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या बात, क्या बात। थैंक यू कुशाल, थैंक यू। उसके 10th में भी 90 थे और 12th में भी 90 थे, कहीं को नुकसान नहीं हुआ, परसेंटेज का नुकसान नहीं हुआ। मेरे को तो इतना फायदा हुआ कि मैं जीवन में नहीं सोच सकती, 4,800 रुपए में मेरा बच्चा MBBS करके आएगा। क्या बात है, बिल्कुल वहाँ तो साहब बिल्कुल। मेरी इतनी बड़ी लॉटरी लगाई उसने कि मुझे करोड़पति बना दिया, वो सिर्फ और सिर्फ CLC के कुशल निर्देशन की वजह से। और मैं शायद आपके सामने मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पर मैं कहने में झिझकूंगी नहीं, सर का जो इंस्पिरेशन है, बॉस का जो इंस्पिरेशन है। मेरे को वो दिन याद है, मैं एक दिन मिलने गई थी, तो मैं जब भी मिलने जाती थी खुशहाल से, सर से जरूर मिलती थी। यस yes. तो कमरे में एंटर करते ही वो खुशहाल से बोले कल तुम 12 बजे कैंप से चले गए थे। मैं बाहर निकल के बोली यार चुन्नू बॉस को कैसे बता तू 12 बजे आ गया था, तो क्या माँ ऐसे ही थोड़ी है, बॉस हमेशा कुर्सी लगाए बाहर बैठे। और मुझे फिर मैंने सर को ये बात बोली, मैंने कि सर आप इतनी देर तक बाहर बैठे रहते हो, वो लाइन आपकी जो मैंने मेरे जीवन में धारण करी, मैं भी बहुत इंस्पायर हूँ बॉस से, जो सर ने मेरे को एक लाइन की, वो लाइन अपने आप में बताती है कि इनका कितना डेडिकेशन है। सर ने मेरे को बोला CLC मेरा इश्क है, और जो इंसान किसी से इश्क करता है, भले वो कुछ हो, अपनी माँ हो, बाप हो, बच्चा हो, भले अपनी संस्था हो जहाँ वो काम कर रहा हो, वो उसके लिए किस कदर तक जा सकता है, कितना जुनूनी हो सकता है, इसके लिए ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए इतना कहना ही काफ़ी है। और मेरे खुशहाल के आने के बाद में मैंने कम से कम, मेरा तो वो एक ही बच्चा था, उससे बड़ा वाला पहले से सेट हो चुका था, वो उसने BTEC किया है, वो पहले से सेट हो चुका था। तो मेरे कितने ही स्टूडेंट अभी भी मेरे स्टूडेंट है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मेरे पास में आते हैं कि है ना दीदी आप फ़ोन करो ना, बॉस हमें कंसेशन देंगे चुन्नू भैया के नाम से, और मुझे कहते हुए बड़ा ऐसे खुशी से महसूस होती है मेरे नाम से ही वहाँ पर कंसेशन। अरे नहीं नहीं आप बिल्कुल हमारे बहुत इम्पोर्टेंट गार्जियन हो। नाम से ही कंसेशन मिलता है। और खुशहाल आज भी ये कहता है, अभी मेरे को ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, उसने 2nd ईयर से ही PG की कोचिंग ऑनलाइन। बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा बच्चा है, बिल्कुल अच्छा करेगा वो। और बॉस को उस पर बहुत कॉन्फिडेंस था, और वो जो छोटे भैया है साहिल उनको भी उस पर बहुत कॉन्फिडेंस था, पर्सनली उसको जानते थे। पहली बार में 539 नंबर उसके नीट के अंदर आए, और एम्स के अंदर उसके 97.99 कुछ परसेंटाइल थी। तो बच्चा थोड़ा डिप्रेशन में हो गया क्योंकि उसके साथ वाले एक दो बच्चों का सिलेक्शन हो गया, मानव प्रकृति है, छोटा बच्चा था। और एक बात और, मेरे बच्चे ने 18 साल से कम उम्र में ही नीट क्लियर कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो बैठ गया, बॉस का फ़ोन आया मेरे पास में, खुशहाल कहाँ है, मैंने कि वो तो बोल रहा है मैं घर से ही तैयारी करूँगा। बॉस ने मेरे को एक ही लाइन बोली, बात कराओ उससे। पता नहीं उससे क्या बोला, वो बोला मम्मी कल अपने को सीकर जाना है। और हम वापस CLC गए, और 2nd टाइम में बच्चे ने एम्स भी क्लियर करा, नीट भी क्लियर करा, और AFMC भी क्लियर किया। बिल्कुल तीनों क्लियर किया। और हमने पूरा हमारा घर का एक, मेरे माता पिता ने मेरे लिए सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बनूँ, वो सपना मेरा बच्चा पूरा कर रहा है, और मुझे बहुत खुशी है। और CLC के लिए अनंत शुभकामनाएं हैं, एक ऐसा सफ़र है जो कभी नहीं रुकेगा। गांव गांव ढाणी ढाणी से डॉक्टर इंजीनियर जो निकल रहे हैं, एक किसान का बच्चा सोच रहा है मेरा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, एक मेरी जैसी
सामान्य अध्यापिका का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।